पर सबको पता है कि 9 तारीख के दिन रात में एक पैसेंजर को, लेडी पैसेंजर को ऑटो में से ऑटो ड्राइवर ढकल दिया, बोल के हकमाल में टोटा मीडिया में भी हुआ है, मीडिया में भी कंप्लेंट भी आई सबको ब्रॉडकास्ट हुआ मीडिया में। इंसिडेंट ये हुआ 9 तारीख के दिन, एक लक्ष्मी अपर्णा बोल के एक मैरिड वुमन जो दरगाह में रही थी, विजयनगरम गाँव जाने के लिए स्टेशन से रेलवे स्टेशन चले गई, ट्रेन का टिकट भी ली उन रात के 9:30 बजे, ट्रेन बिल्कुल फुल था तो वापस आ गई नहीं, वो ट्रेन वैसे ही लगा लेके बस में बैठ के और दरगाह जाने था तो मेजीपट्टन में उतर थे सिकंदराबाद से, या तकरीबन 10:45 या 11:30 को बस उतर गई है, उतर के दरगाह जाने के लिए रेगुलर जो जाते रही थी एक शेयरिंग ऑटो चढ़ी, या तो जब बैठते ही ऑटो में एक ऑटो ड्राइवर था, एक को ड्राइवर भी था, दो थे और दो तीन लेडीज भी चले, दो लेडीज ऑलरेडी थे, वो लोग क्या बात के लिए, लेडी को नहीं मालूम लक्ष्मी को, 120 रुपये ये लोग बोले तो 90 रुपये देते बोल के उन्होंने बोले, तो दोनों ठीक है बोल के जल्दी तो बिठाई दिए, रात के 11 बजे का टाइम था तो ऑटो वाले दोनों बिठा लिए, बिठा लेके फ्लाईओवर से पहले दो पैसेंजर्स पहले उतर गए, इन फ्लाईओवर चढ़े बाद पैसे में फिर दो, एक सामने था पीछे था, इसका नाम मुश्ताक है, उन्हें को पायलट था, ये बेग है, इन्हें ऑटो ड्राइवर था, दोनों के पास लाइसेंस नहीं है, तो उधर के 120 रुपये बोल के फिर डिमांड शुरू करा तो दोनों में बहस हो गई, नहीं बोल के बोली, हाँ बोल के बोली, उन्हें थोड़ा मिसबिहेव टाइप करा पैसे के लिए, तो इन्हें तम्बाकू भी खाता था, इन्हें मिसबिहेव करे तो नहीं दी, रनिंग से ऑटो में से और लक्ष्मी को ढकल दिया, रोड पर गिर गई, गिर के उन्हें पूरा ब्लीडिंग हो गया, तो ऐसे गिर गई, गिर के तो बेहोश टाइप हो गए मेन रोड के ऊपर, तो उतने में एक 5 मिनट से तो कोई अटेंड भी नहीं करे उसको रोड पे, रोड के बिल्कुल बाजू प्लेयर के ऊपर, तो कोई हमारे एक रिपोर्ट के साथ उनको रिलेटिव मोटर पे देखे, इमीडिएट एक ऑटो लेके प्रीमियर हॉस्पिटल शिफ्ट करे, शिफ्ट करके वही रिपोर्टर साहब इंस्पेक्टर गोलकोंडा को फोन करके ऐसा वाक्य हुआ बोल के इन्फॉर्म करे, इमीडिएट इंस्पेक्टर गोलकोंडा टीम के साथ आके जब तक उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए थे, इंस्पेक्टर हॉस्पिटल जाके उनको एग्जामिन करे बच्ची का, वो लेडी का ट्रीटमेंट भी कराए, ट्रीटमेंट करा के बच्ची का बयान लेके 307 और 324 केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू करे, तो फुटेज भी ट्राई करे, कौन सा ऑटो है कोई भी नहीं देखे, ऑटो तो चले गया, ये क्लू था कि ये ऑटो में पायलट था, को पायलट था, दो थे, तो पूरा एग्जामिन करके फिर औरत को फिर डिस्चार्ज होने के बाद निकले स्पॉट को लाए, उन्हें बताई कहाँ ऑटो चढ़ी, कहाँ गिराई पूरा बता दिया हमको, उसके बाद पूरा छानबीन करे, सीसीटीवी फुटेज चेक करे, तो बीच में चढ़ी बस उधर चाहिए रेत बाजार में ऑटो चढ़ गई, तो फुटेज में क्लियर नहीं आया वीडियो में, ठीक है बोल के वही एग्जामिन करके तकरीबन हम 300 ऑटो को डिटेन करके एग्जामिन करे, इसमें एक टीम बनाए इंस्पेक्टर गोलकोंडा और पूरा डिवीजन का टीम बनाया, हुमायूं नगर आसिफ नगर गोलकोंडा क्राइम का टीम इसमें इन्वेस्टिगेशन में करके 300 साढ़े 300 ऑटो को एग्जामिन करके ऑटो ड्राइवर्स को निकाले जो को पायलट बैठते और बीच में तो तंबाकू खाते वैसे ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करके 25-30 ऑटो ड्राइवर्स को निकाल के एग्जामिन करे, तो ऐसा क्लू मिला एक जो ऑफेंस करके अब करता उन्हें छुपा बोली इन्फॉर्मेशन मिला हमको, जैसे रेड घर पर चिंतल में रेड करके मुस्ताफ बोल के इसके पास लाइसेंस नहीं है, को पायलट था जो औरत को नीचे ढकल दिया रनिंग ऑटो में से, और एक ब्रेक बोल के उन ऑटो चला रहा था, किराए का ऑटो था ये ढकल दिए, इन्हें बोले क्या है वो खिड़की में साहब उन्हें 120 रुपये बोले हम दरगाह तक, नहीं डी बोली तो उधर से बोलते नहीं, उन्हें खुद ही बोल के इनका वर्षन है, उनका वर्षन ठीक सही है औरत का, उसको ढकल दिया रनिंग ऑटो में से, तो पूरा डैमेज हुआ राइट आई को, इंस्पेक्टर गोलकोंडा साहब ट्रीटमेंट जो कराया, फिर बाद में कल इंस्पेक्टर मनोहर साहब गोलकोंडा, एडिशनल इंस्पेक्टर गोलकोंडा आनंद साहब और क्राइम टीम और SIs और क्राइम टीम पूरे टीम क्राइम टीम डिवीजन का क्राइम टीम मिलकर इनको पकड़ के लाए, अरेस्ट कर सब इनको रिमांड कर रहे, हम ये पैसेंजर से जनरल पैसेंजर ये भी रिक्वेस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा लोग औरत लोगों से कि शेयरिंग ऑटो में नहीं चढ़ना, शेयरिंग ऑटो में नहीं बैठना, सिंगल बैठना, हम ये भी पाबंदी करने वाले हैं कि ऑटोज में म्यूजिक सिस्टम नहीं लगाना, बराबर डिस्प्ले होना और लाइट होना ऑटोज के अंदर, लाइट बल्ब भी नहीं लगाते रातों में, वो भी लगाने के हम कर रहे सब, वो ड्राइवर को बैठने नहीं दे रहे, हर एक ड्राइवर के पास उसका प्रॉपर ड्रेस होना, उसका नेम होना और लाइसेंस होना, वो भी हम चालू कर दिए इंसिडेंट के बाद से, हम ट्रैफिक वाले मिल के इंश्योर करेंगे सब, ये ट्रैफिक रेगुलेशन का भी ध्यान देंगे और ऐसे ड्राइवर्स को डिटेन करके उनके ऊपर एक्शन लेके वैसे ऑटो ड्राइवर से निकाल देंगे, वो तो कुछ एक्शन भी हो गया, इसके पास ना लाइसेंस रहता ना इंश्योरेंस रहता, डैमेज पूरा पैसेंजर्स को होता, उस वजह से वो एंगल में भी देखे हम पैसेंजर्स के लिए, बराबर जो भी ऑटो ड्राइवर्स रहेंगे उनके पास प्रॉपर लाइसेंस रहना और इंश्योरेंस रहना,
उसका रेगुलेशन के लिए हम स्टेप्स लेंगे, सब देने वाले हैं। अब जो ये केस को हम बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं केस में, हमारे क्राइम टीम जो मेहनत करके पकड़ लिए, गोलकोंडा इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर मुनावर और आनंद और क्राइम टीम कोटेश और आसिम नगर क्राइम टीम, उनको डीसीपी साहब के पास कमिश्नर होगा प्रोड्यूस करके उनको रिवार्ड भी दिलाएंगे सब।